तो आज हम लोग कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ पहले ही लिख दिया है और बची हुई चीज़ें हम लोग अभी आगे लिख देंगे, स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्नोट साइकिल की हमें एफिशिएंसी निकालनी है। और कार्नोट साइकिल की बात करें तो कार्नोट साइकिल चार प्रोसेस से मिलके बनी हुई होती है। पहला प्रोसेस जो है वो है आइसो थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन, और लास्ट प्रोसेस है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो कुल मिला के चार प्रोसेस है। इसको आप पीवी ग्राफ पर भी दिखा सकते हो। से ये 1-2 प्रोसेस हो गया। ये जो प्रोसेस है जो हमने यहाँ दिखाया है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। फिर नेक्स्ट 2-3 प्रोसेस हो गया, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। दोनों के स्लोप अलग अलग होते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का स्लोप ज़्यादा होता है। फिर 3-4 प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और फिर 4-1 प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो चार प्रोसेस हम शो कर रहे हैं। अगर हम इनकी स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स हम लोग लिख देते हैं। भैया यहाँ पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, यहाँ प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, बट टेम्परेचर फिर भी T1 ही है, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर सेम रहता है। इसकी प्रेशर है P3, वॉल्यूम है V3, टेम्परेचर T2 हो गया क्योंकि एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज रहता है। इसका प्रेशर है P4, वॉल्यूम है V4, और टेम्परेचर T2, क्योंकि थर्ड से फोर्थ प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर दिए। अगर हम किसी साइकिल की एफिशिएंसी निकालने की बात करें, जैसे कि इसे इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। तो इसे आप नेट वर्क डन बाय Q1 एक्चुअली आमतौर पे हम लोग हीट सप्लाइड को देखते हैं। नेट वर्क डन निकालना है तो आपको सभी प्रोसेस का वर्क डन ऐड करना पड़ेगा। वर्क डन फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस। तो देखो, ये सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर ताकि मुझे अलग से बताना ना पड़े। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसके लिए जो इक्वेशन लगेगी आइसोथर्मल वाली लगेगी। सेकंड प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक वाला है, उसके लिए एडियाबेटिक की लगेगी। थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल है, उसके लिए आइसोथर्मल की इक्वेशन लगेगी। फोर्थ प्रोसेस एडियाबेटिक है, उसके लिए एडियाबेटिक की इक्वेशन लगेगी। खासकर फर्स्ट प्रोसेस में हीट सप्लाई भी हो रही है, तो हमने वर्क डन को हीट सप्लाई के बराबर लिख दिया। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, तो हीट सप्लाइड और वर्क बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने हीट सप्लाइड और वर्क बराबर कर दिया है, जो कि अब एनआरटी फॉर्मूला होता है, एनआरटी लॉग नेचुरल लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो फर्स्ट प्रोसेस के हिसाब से इसको हम लोग पुट कर देते हैं। एनआर टेम्परेचर कितना है इस प्रोसेस में? T1 है पूरे के पूरे प्रोसेस में, देख सकते हो यहाँ पे भी T1 है और यहाँ पे भी क्या है T1 है। और LN फाइनल वॉल्यूम बाई क्या है बताओ भाई? फाइनल वॉल्यूम है V2, इनिशियल वॉल्यूम है V1। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं V2 बाय V1। और ऐसे ही अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की, अब सेकंड से थर्ड प्रोसेस में हम आ जाते हैं, तो NR यहाँ पर टेम्परेचर फाइनल क्या हो गया? फाइनल T2 हो गया है, ये फाइनल है। अब ये इनिशियल है क्योंकि सेकंड से थर्ड प्रोसेस है, तो थर्ड में फाइनल टेम्परेचर T2 है और सेकंड में टेम्परेचर T1 है। तो ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा 1 माइनस गामा। और फिर 3-4 प्रोसेस में आ गए हम, थर्ड टू फोर्थ प्रोसेस। तो यहाँ फिर से जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर आप NRT टेम्परेचर कौन सा लोगे? इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर पूरा का पूरा T2 ही है, T2। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया? फाइनल तो V4 है और इनिशियल क्या है? V3 है। तो क्या हो जाएगा? V4 बाय V3 हो जाएगा। और ऐसे ही जो लास्ट प्रोसेस है 4-1 प्रोसेस, वो फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो NR टेम्परेचर फाइनल कितना हो गया? देखो फाइनल टेम्परेचर फिर से T1 हो गया, आखिरी में फिर से T1 हो गया है। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है फोर्थ से फर्स्ट प्रोसेस है, तो फर्स्ट प्रोसेस पे आखिरी पे आ गए, तो फर्स्ट प्रोसेस में टेम्परेचर T1 हो जाएगा। और फोर्थ प्रोसेस में टेम्परेचर पहले कितना था? T2 था जब फोर्थ पॉइंट पे थे। 1 माइनस गामा हो जाएगा। अगर आपको नेटवर्क ना निकालें तो इन दोनों को ऐड करोगे। बट एक खास बात देखने को यहाँ ये मिलती है कि जब आप इनका एडिशन करते हो तो 2 और 4 एक दूसरे का नेगेटिव है। जैसे कि मान लो अगर आप 4 को लिखना चाहोगे,
वर्क डन अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन लिख दोगे, और वन माइनस गामा, जो कि ठीक ठीक नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू टू के बराबर है। तो जैसे आप नेटवर्क डन निकालते हो यहाँ पर, तो सेकंड और फोर्थ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जितना डब्ल्यू टू है और डब्ल्यू फोर है एक दूसरे का इक्वल है, बट साइन में अपोजिट है, तो एडिशन के बाद एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, वर्क डन फर्स्ट प्रोसेस प्लस वर्क डन थर्ड प्रोसेस। तो नेट वर्क डन इस तरीके से आ सकता है। फर्स्ट प्रोसेस का वर्क डन हम यहाँ लिख देते हैं एन आर टी वन एल एन वी टू बाय वी वन, ऐसे ही फोर्थ थर्ड प्रोसेस का भी लिख देते हैं। थर्ड प्रोसेस का वर्क डन लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं साइड में या नीचे लिख रहा हूँ, कि एक चीज़ देखी जाती है कि वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू वी थ्री बाय वी फोर होता है। ये मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक से बता रहा हूँ, इसका यहाँ काम पड़ रहा है इसलिए बता रहे हैं, बाद में आपको डिस्क्राइब करूँगा ऐसा क्यों होता है। तो वैसे तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये इक्वेशन है हमारे पास थर्ड प्रोसेस के लिए, ये इक्वेशन है हमारे पास। अगर आप इसे फ्लिप करना चाहो, मतलब कि यहाँ पर वी फोर बाय वी थ्री की जगह वी थ्री बाय वी फोर करना चाहो, तो नेगेटिव साइन लगा के आप एन आर टी टू एल एन वी थ्री बाय वी फोर कर सकते हो, और इवन वी फोर बाय वी थ्री बाय वी फोर किसके बराबर होता है आप देख सकते हो, वी टू बाय वी वन, अब इसे वी टू बाय वी वन भी पुट कर सकते हो चाहो तो। अगर आपको नेट वर्क डन निकलना है तो वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस लिख दिया, ऐसे ही वर्क डन थर्ड प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन आर वी टू एल एन वी थ्री बाई वी फोर भी लिख सकते हो, और वी थ्री बाई वी फोर की जगह वी टू बाई वी वन भी लिख सकते हो, वी टू बाई वी वन लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेम हो गया, इसलिए हमने लिखा। तो अगर आप देखो दोनों में कॉमन ले लो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन कॉमन ले लिया, क्या आ गया, टी वन माइनस टी टू आ गया, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, तो वर्क डन मिल गया। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क डन को हीट सप्लाई से डिवाइड कर सकते हो, तो हीट सप्लाइड हमारे फर्स्ट प्रोसेस में हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड की वैल्यू ये है, हमारे पास पूरा का पूरा स्पेस घिर चुका है। अब एक काम करते हैं भैया, इसे पूरा का पूरा मिटा देते हैं या कुछ स्पेस बना लेते हैं, तो स्पेस बनाओ भाई। मिटा दें, पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक है, तो मिटा देते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी नेटवर्क डन बाय हीट सप्लाइड, और नेटवर्क डन यहाँ पर क्या है, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन टी वन माइनस टी टू, और हीट सप्लाइड क्या है, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन एन टू टी वन, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, टी वन माइनस टी टू बाय टी वन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लो, T1 by T1 minus T2 by T1, क्या हो जाएगा, 1 minus T2 by T1, इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। और ये फाइनली एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो 1 minus T2 by T1। T2 और T1 है क्या, T2 है सिंक टेम्परेचर और T1 है सोर्स टेम्परेचर।